वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्री सुकवाच सुकव एवं विधान कर्माणी गोपा कृष्ण से वीक्षते अतदीर्ज विद प्रोच समेत सुविस्मता श्री सुक फिरला श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा एवं विधाने इस प्रकार के, के कर्माणी कार्यों को, को गोपा ग्वाले कृष्णस्य भगवान श्री कृष्ण के क्ष देखकर ते, ते, ते वे, वे अतदवीर्ज विदह, विदह उनकी शक्ति को समझने में असमर्थ प्रोच्युह बोले समभ्यत्या नंद महाराज के, के पास जाकर, जाकर सुविस्मिता अत्यंत विस्मित होकर अनुवाद और तात्पर्य अनुवाद श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा जब गोपो ने गोवर्धन पर्वत उठाने जैसे श्री कृष्ण के कार्यों को देखा तो विस्मित हो गए उनके दिव्य शक्ति को न समझ पाने के कारण वे नंद महाराज के पास गए और इस प्रकार बोले तात्पर्य शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार की है श्री गोवर्धन पर्वत उठाने की भगवान की लीला के समय ग्वालों ने भगवान के कार्य का विश्लेषण किए बिना केवल उनका आध्यात्मिक आनंद लूटा किन्तु बाद में जब वे अपने घर लौट आए तो उनके मन में चिंता उठने लगी अतः उन्होंने सोचा अब तो हमने महान बालक श्री कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाते अपने आँखों से देख लिया है और हमें यह स्मरण है कि उसने किस तरह पूतना तथा अन्य असुरों को मारा जंगल की आग बुझाई इत्यादि इत्यादि उस समय हमने सोचा था कि ये अत ये अद्वितीय कार्य ब्राह्मणों के आशीर्वाद या नंद महाराज के सौभाग्य या शायद इस बालक पर नारायण की कृपा से उसे मिली शक्ति से संपन्न हुए थे किंतु हमारी ये सारी कल्पनाएं झूठी हैं क्योंकि एक सात साल का सामान्य बालक इस प्रकार पूरे सात दिनों तक पर्वतराज को उठाए नहीं रह सकता फिर कृष्ण मानव नहीं है वह अवश्य ही स्वयं श्री भगवान होगा किंतु दूसरी ओर जब हम भगवान श्री कृष्ण को दुलारते हैं तो उसे अच्छा लगता है और जब हम उसके चाचा या शुभ शुभचिंतक भोले भाले ग्वाल उसकी और ध्यान नहीं देते तो वह खिन्न हो जाता है वह भूखा प्यासा होने लगता है दूध तक दही चुराता है कभी सैतानी करता है झूठ बोलता है बालकों जैसी बातें करता है और बछड़े चराता है यदि वह सचमुच श्री भगवान है तो फिर ऐसी बातें क्यों करता है तो क्या इससे यह सूचित नहीं होता कि वह एक सामान्य बालक है हम उसकी पहचान के बारे में सच्चाई जान पाने में असमर्थ हैं अतः चलो चलकर परम परमचतुर ब्रजराज नंद महाराज से पूछा जाए वे ही हमारे संशयों को दूर करेंगे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार ग्वालों ने संकल्प किया और वे नंद महाराज के विशाल सभा सदन में गए और उनसे अगले श्लोक में वर्णित प्रश्न किया इस प्रसंग में बहुत बहुत बातें हैं लेकिन थोड़े समय में कुछ कुछ बातों की चर्चा हो सकती है हम लोग गिरिराज धरण लीला के विषय में जानते हैं कि इंद्र अपने पूजा न होने से बहुत कुपित हुए जैसा कल हम लोग सुने कि वे अपने हिसाब से या कैलकुलेशन ही कर रहे हैं कि मर्त्यम देव हेलना। ये तो ऐसा कार्य कर दिए देवता का अपमान किए या अब ये तो एकदम अपने मरने का योजना कर लिए या ऐसा अपराध है कि इनको मार दिया जाए तो कोई दोष नहीं लगेगा मनुष्य का आश्रय ले करके और देवता का अवहेलना कर रहे हैं और अपने ही इस कैलकुलेशन के अनुसार ब्रजवासियों को नष्ट करने के लिए सामर्तक मेघ और वायु को प्रेरित कर दिए सारे सृष्टि के अंत करने के लिए जिन बादलों को रिजर्व रखा जाता है मुक्त बंधना उनको खोल दिए कभी कभी देखा जाता है कि सरकार कई एक प्रकार के फोर्स रखती है लेकिन हमेशा उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है जब आवश्यकता नहीं है तो पड़े रहते हैं ताश खेलते हैं या कभी कभी परेड मारते हैं जरूरत पड़ने पर उनकी नियुक्ति की जाती है कई एक ऐसे पोस्ट हैं केवल है? रक्षा के विषय में ही नहीं भारत का भारत सरकार में एक पोस्ट है एटोर्नल जर्नी का अटॉर्नी जनरल का तो वे पार्लियामेंट में भी बैठते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते लेकिन कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि दोनों पक्ष का वोट बराबर हो गया एक पक्ष में दो सौ बाईस वोट पड़ा दूसरे पक्ष में भी उपस्थित जो सदस्य है दो सौ बाईस ही डाल दिए तो अब किस पक्ष में निर्णय जाएगा अब तो मुश्किल होगा ना तो उस समय जो महाधिवक्ता हैं उनको भी वोट देने का अधिकार है अब वो भी अपना वोट दे सकते हैं, जब तक यह स्थिति नहीं है तब तक वो पार्लियामेंट में वोट नहीं दे सकते और कई ये के चीज है रिजर्व में रखा जाता है अब आवश्यकता ही नहीं पड़ती है तो कोई जरूरत नहीं हमको विश्वविद्यालय की बात याद आ जाती है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में परीक्षा के समय पुलिस वालों को लगा दिया जाता था फोर्स भी रहता था लेकिन वहाँ तो कोई ज़रूरत नहीं है सब अपने से सही ढंग से परीक्षा दे रहे हैं लिख रहे हैं हाँ के तीन घंटा ताश खेलते थे नीचे परीक्षा खत्म होने के बाद चले जाते थे यह ब्रह्मांड की व्यवस्था है कि कुछ चीज रिजर्व रखे जाते हैं जैसे शिव जी हैं और शिव जी भी देवता हैं और बड़ी उनमें शक्ति है लेकिन वो शक्ति का प्रदर्शन तो कभी करते नहीं है जरूरत ही नहीं है जब प्रलय करना होगा तब उनका टंडो नृत्य प्रारंभ होगा उसके पहले क्या जरूरत है अब कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो अपना पराक्रम दिखाते हैं जैसे गंगा जी को धारण किया हुआ हलाहल को पीना हुआ वैसे ही ये मेघ है ये वर्षा करते हैं लेकिन सब मेघ एक प्रकार के नहीं है कुछ बरसात में वर्षा करने के लिए है और कुछ कुछ अब एकदम जब सृष्टि का प्राकृत प्रलय करना है सब चीज नष्ट करना है और उस समय उनकी जरूरत पड़ती है लेकिन इंद्र अब इसी समय उनको खोल दिए उनको बांध करके रखा जाता है गलती से भी कहीं निकल गए और वर्षा कर दिए <coughs> बहुत भारी विप्लव हो जाएगा मुक्त बंधन उनका बंधन खोल दिए और केवल बादलों को ही नहीं चकार से हवा को भी और उनको प्रेरित किए कि जाकर के नष्ट करो और खोद कहे कि हम पीछे से आ रहे हैं एकदम चूर कर देंगे देवता के बदले पहाड़ पूज रहे हैं और उसको भी भय नहीं है अपने वज्र से चूर्ण कर दूंगा हम भी सहयोग करेंगे छोटा छोटा कर देंगे लोग बहवा करके उसको एकदम पता कर दो खत्म कर दो कुछ पता ही नहीं चले और वो अपने स्वामी का आज्ञा मान करके वर्षा प्रारंभ किए हवा चलने लगी कला वर्णन सुने हाथी के साइज का बूंद गिर रहा था और खंभा जैसा वर्षा की धारा गिर रही थी और तेज हवा और पत्थर गिर रहा था मतलब बर्फ गिर रहा था और सब दुख अनुभव कर रहे थे छोटा छोटा पत्थर भी लगता है ऊपर तो बहुत कष्ट होता है बड़ा गिर जाने पर वो तो कभी कभी सिर फूट जाता है हम लोग छोटे छोटे का अनुभव किए हैं एक बार प्रीचिंग में हम लोग जा रहे थे किसी गांव में अब गांव में पहुंचे नहीं तब तक पत्थर गिरना शुरू हो गया बहुत छोटा छोटा था बहुत चोट लग रहा था हम लोग कपड़ा पहने थे फिर भी दौड़ करके चले गए कहीं छिप गए अभी कुछ साल पहले वृंदावन तो इतना बड़ा बड़ा गिरा कितने लोगों का कार फूट गया बलराम हाल का छत ही नष्ट हो गया और उसके बाद फोन एक व्यक्ति किया कि भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में बहुत भीड़ लग गई है <laughs> वो कहीं को कई एक लोगों को चोट आ गई है इंद्र वर्षा कर रहे थे पत्थर गिर रहा था तो पहाड़ के शिखर के समान पत्थर गिर रहा था और हवा भी गायें कांप रही थी थर 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 काँप रही थी इन गायों के हृदय में स्नेह है और ऐसे नीचे करके अपने सिर को बचा रही थी और अपने शरीर के भीतर करके अपने बच्चों की रक्षा कर रहे थे, लेकिन अब कोई जगह नहीं था समय तो आंधी तूफान आता है तो व्यक्ति किसी घर में जा करके के ले आश्रय लेता है लेकिन सब जगह पानी भर गया था कहाँ ऊंचा स्थान है कहाँ नीचा स्थान है कुछ पता नहीं चल रहा था सब है भगवान के शरण में गए कृष्ण के शरण में गए एक लोग प्रश्न करते हैं कि क्या वो लोग जानते थे कि भगवान है क्या उनके शरण में गए <coughs> यह तो नहीं जानते थे कि ये भगवान है लेकिन डाटा उनके पास था कई एक बार अद्भुत पराक्रम दिखा देते थे खास करके आग से रक्षा कर लिए थे और उनके मन में यह विश्वास था कि कृष्ण कुछ कर लेता है उनके शरण में गए उनसे प्रार्थना किए कि हमारे रक्षक तो आप ही हैं और भगवान उनके प्रार्थना सुने और खेल खेल में गिरिराज जी को उठाए पर्वत को उठाए और कहे कि बिशतः तुम लोग इसके नीचे आ जाओ भय मत करो यथोपजो समझे जैसे जिसको सुविधा लगे अपने सुविधा के अनुसार इसमें इसके नीचे आ जाइए भगवान सात दिन तक पर्वत धारण किए रहे भगवान के सानिध्य को प्राप्त करके ब्रजवासी बहुत आनंदित थे कि एक प्रश्न किया जाता है कि इतना आघात हुआ चोट खाए ब्रजवासी गायें वो भगवान कैसे सहन कर लिए उनको पहले ही व्यवस्था करनी चाहिए देखिए भगवान भी लीला विलासी है वे ब्रजवासियों से प्रेम करते हैं और ब्रजवासियों के प्रेम को अपने प्रति जो प्रेम है उसको बढ़ाते भी हैं तो जब आदमी कुछ कॉस्ट पा करके और फिर सुविधा प्राप्त करता है तो ज्यादा आनंद अनुभव करता है <laughs> जब उनको ठंडा लगा और पत्थर का चोट लगा ऊपर का अब इसके बाद जब गिरिराज जी के आश्रय में गए बहुत सुख अनुभव कर रहे थे और उस समय ब्रजवासियों का ध्यान सबका कृष्ण की ओर था और कृष्ण को देखने में इतना आनंद मिल रहा था कि अब वे दूसरी बात भूल ही गए थे अब गोपियों के लिए तो इससे बड़ा उत्सव नहीं हो सकता और केवल गोपियों की के ही बात नहीं थी जो गोप लोग थे जो बूढ़े बड़े लोग थे और उनको भी कृष्ण को देख करके आंखों को इतना आनंद मिल रहा था कि अब उसी आनंद में विभोर थे लेकिन सात दिन के बाद तो इंद्र बादलों को कहे कि चलो चलो अब यहाँ कुछ आवश्यकता नहीं है बुद्ध प्राय जब नीचे का पानी नदियों का पानी लगभग लग समाप्त जैसा हो गया कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि उतना पानी गिराए इंद्र तो पानी तो कहीं टिका ही होगा ना? लेकिन भगवान केवल एक व्यवस्था नहीं करते हैं सब व्यवस्था कर देते हैं पानी के ब्यौछार से पत्थर के व्यवचार ब्यो, से रक्षा किए गोवर्धन जी को उठा करके और अपने चक्र को नियुक्त कर दिए वो पानी कितना हो गिरा रहे थे अब सुदर्शन चक्र के ताप से सब वास बन करके उड़ रहा था वर्षा तो भी समाप्त हो गई और जो बाढ़ वो भी समाप्त हो गया अब एकदम सामान्य जल स्तर हो गया था तो भगवान ने कहे कि अब आप लोग बाहर जा सकते और सब लोग बाहर गए गोपियां तो कृष्ण के विषय में गीत गाते हुए अपने घर चली गए गोप लोग भी घर गए लेकिन अब इस बार का अनुभव कुछ विचित्र था कृष्ण के दूसरे पराक्रम का भी गोप लोग अनुभव किए थे लेकिन भगवान भी झटका में कुछ कर देते थे कुछ स्पष्ट विश्लेषण नहीं कर पाते थे अरे वृक्ष गिरा तो गोप लोग वहां थे नहीं वो तो आवाज सुनकर के वहां गए वो तो इंद्र पूजा के लिए इसी क्षेत्र में आ गए थे अब वहां जाकर के विचार कर रहे थे कि कैसे वृक्ष गिर गया भाई आंधी आया नहीं और हाथी कोई ठोकर मारा नहीं बच्चे कह रहे थे अने न अरे इसके अरे चुप ये कभी हो सकता है छोटा सा बच्चा कैसे करेगा फालतू की बात बोल रहा उनका अपना कैलकुलेशन था कि वृक्ष पुराना हो गया जड़ इसका सड़ गया इसी से गिर गया जब आग लगी थी तो रात की बात थी भगवान तुरंत उसको समटे पी गए फिर दिन में भी आग लगी तो भगवान को भी भय था कि उस बार तो रात में पार हो गया अब दिन में कहीं पीऊँगा देख लेंगे तो हमसे प्रेम ही नहीं करेंगे भगवान मानने लगेंगे वो <laughs> तो कहे कि आंख बंद करो आंख बंद करो वो आंख बंद करके पी गए थे तो ऐसे उस समय उनको आश्चर्य होता था लेकिन उनके अपनी व्याख्या थे भगवान रक्षा कर लिए लेकिन इस बार तो अपने आंख से देखे थे एकदम पहाड़ को उठा दिए अब यह बात उनके मन से जा ही नहीं रही स्थिति समझना चाहिए जब तक भगवान के साथ थे तब तो उनको देखने में ही इतना निमग्न थे कि दूसरी भिचार, दूसरा विचार ही मन में नहीं आ रहा था लेकिन जब घर गए तब तो क्या कैसे पहाड़ उठा लिया पहाड़ उठा लिया और भी सात दिन तक तो यह तो साधारण लड़का नहीं हो सकता तो उनके मन में विचार आता था कि भाई ऐसा काम तो केवल भगवान कर सकता है तो कृष्ण भगवान ही होगा वो फिर उनके मन में विचार भगवान कैसे हो सकता है कार्य तो एक भगवान के अतिरिक्त दूसरा यह नहीं कर सकता तो इस दृष्टि से भगवान माना जा सकता है लेकिन दूसरा भी व्यवहार है ना वो बिल्ली को देख करके डर जाता है तो भगवान कैसे हो सकता है हम लोग डांट देते हैं तो डर जाता है तो भगवान कैसे होगा भगवान नहीं हो सकता अच्छा भगवान तो निरपेक्ष रहते हैं ना हम लोग उसको सहलाते हैं तो बड़ा खुश हो जाता है कुछ खाने को देते हैं तो खुश हो जाता है और उसको दूध दही में लोभ है माखन लोभ ही है अरे इतना लोभ है कि चोरी करता है तो भगवान कैसे हो सकता है भगवान तो नहीं हो सकता तो अपने ढंग से विचार कर रहे थे कि हम लोग है, कुछ भी उसके ऐश्वर्य को देखे पहाड़ उठा लिया तो भगवान ही होना चाहिए लेकिन हम लोगों की चित्तवृत्ति उसमें जा रही है वो लड़का तो नंद का है लेकिन सब लोग उसे स्नेह करते हैं हमारे हृदय में कम स्नेह नहीं है अरे गोपों के हृदय में स्नेह की बात क्या है ये पशु पक्षी भी स्नेह करते हैं और स्नेह न करने से वो भी खिन्न हो जाता है तो तो निरपेक्ष नहीं है तो भगवान नहीं हो सकता तब तो कोई मन में आता है तो परमात्मा होगा परमात्मा से सब प्रेम करते तो फिर इसके खिलाफ भी मन में तर्क आता है कि परमात्मा से सब प्रेम करते हैं तो ठीक है लेकिन परमात्मा तो हृदय में रहता है ना वो तो बाहर है तो परमात्मा कैसे होगा अच्छा दूसरी बात है केवल हम लोग ही नहीं प्रेम करते वो भी प्रेम करता है तो परमात्मा तो उदासीन रहता है ना <laughs> तो वो तो उदासीन है नहीं अब उनके मन में अब यही प्रॉब्लम चल रहा था और अतद अब इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाए और उनके मन में आया कि हम लोग नहीं सुलझा पाएंगे और नंद श्रेष्ठ है उनके माता पिता है और उनके पिता है और उन्हीं के पास चलते हैं और किसी पंडित से कुछ पूछा जाएगा ये कहीं भगवान तो नहीं आ गया <laughs> ये समस्या अनुभव कर रहे थे कि भगवान निकल जाएगा तो हम लोग प्रेम कैसे करेंगे <laughs> तो वे लोग गए उनके मन में फिर भी ये जो गोवर्धन धारण की लीला थी तो घूम फिर करके यही आ रहा था कि बिना भगवान के कोई ऐसे पर्वत नहीं उठा सकता तो भगवान ही होना चाहिए और नंद बाबा के पास गए समित्य पहले कुछ आश्चर्य की घटना होती थी तो थोड़ा विचार करके भूल जाते थे लेकिन इस बार उनके मन से बात जा नहीं रही है कि कृष्ण भगवान हो सकता है इसलिए नंद बाबा के गए नंद बाबा के पास गए ग्रुप बना करके और उनसे कहने लगे कि बालकश्य यदेता नी कर्माणि अत्यद्भुता नि कतम कतम सौ जन्म ग्राम्य स्वात्म जुगुप्सित के जो आपके लड़के का कर्म है तो वह तो अति मर्त्य है कोई मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता भाई कर्म पर विचार करने पर तो स्पष्ट लगता है कि वो भगवान है लेकिन अब यह बात नहीं समझ में आ रही कि भगवान है तो उसको दूसरा जगह नहीं मिलेगा हम लोगों के परिवार में क्यों जन्म लिया हम लोग पढ़े लिखे भी नहीं है कोई सदाचार भी नहीं है वो भगवान कैसे हम लोगों के परिवार में आ जाएगा ग्राम्यस्तु हम लोग तो सभ्यता भी नहीं जानते हैं ओ तो हमारे परिवार में कैसे आ सकता और कह रहे हैं कि भगवान होने का लक्षण तो दिख रहा है यह सप्तहायनो बाल करेण के न लीलया कथम बेभ्रत गिरवरम पुष्करम गजराडी कि इसके कर्म पर विचार कीजिए कि यदि यह भगवान नहीं होता वो एक हाथ से और एक अंगुली पर खेल खेल में कैसे पर्वत को धारण करेगा देखिए मनुष्य की क्षमता है कुछ चीज उठा सकता है रख सकता है लेकिन एक पॉइंट पर कह दीजिए कि उठा करके रखे तो कठिन कार्य होता है आप लेट करके अपना पैर उठा सकते हैं नीचे कर सकते हैं कई एक बार कर सकते हैं लेकिन उसको एक पॉइंट पर लेट करके दोनों पैर को एक पॉइंट पर रखना होगा कुछ 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 ऊंचाई पर वो तो एक दो मिनट रखना भी कठिन होता है तो कोई बोझ उठा भी ले तो उठा लेगा ना कि सात दिन उसको एक पोस्चर में रखेगा यह कठिन कार्य है कह रहे कि यह सप्तहायनो बाल ये तो अभी बालक है सात साल का है और एक हाथ से खेल खेल में और गिरीवरम ये साधारण पर्वत नहीं है बहुत भारी पर्वत है और इसको ऐसे धारण किया जैसे कोई हाथी कमल को धारण करे कि एक ही घटना होती तो कुछ व्याख्या भी कर लेते लेकिन ये अनेक घटना ऐसी है देखिए कभी कभी व्यक्ति किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देता कोई व्यक्ति किसी को धोखा दे रहा है झूठ बोल रहा है तो कई एक बार वो झूठ बोला लेकिन उस पर ध्यान नहीं गया लेकिन कोई बड़ी घटना हो जाती है तब एक एक बात पर ध्यान जाने लगता है कि हाँ उस समय भी ये झूठ था उस समय भी बोला था गिरिराज तो धरण की घटना इतनी बड़ी बात हो गई कि ब्रजवासी पीछे के घटना का भी स्मरण कर रहे हैं कि तोकेना मिलित मिलिताक्षेण तो के अमिलिताक्षेण पूतनाया पूतनाया महौजस स पीतस्तन सह प्राणे काले नईव वयस्तनु अभी तो पाँच छ दिन का था और पूतना के अस्तन पान के साथ उसका प्राण भी पी गया छोटा सा शरीर था ये इतना अद्भुत कार्य कर दिया और हिन्वतो ध से मासस्य चरणा उदक अभी एक साल का नहीं था अभी उसके उम्र की गणना मास में की जा सकती थी तीन मास का था तीन महीना दस दिन का और उसके ऊपर वो रोते हुए सकट को उलाट दिया और उसके ऊपर वो गिरा एक हायन आशीन हेमाणु बिहार सा दैत्य ने यश त्रृणावर्तम ओह कंठ ग्रहातुर जब एक साल का हुआ तो त्रिणावर्त का बध कर दिया और कैसे बध कर दिया कंठ ग्रहणातुर उसका गला पकड़ा उसी में वो कातर हो गया आतुर हो गया केवल गला पकड़ करके बध कर दिया बहुत आश्चर्य की बात है उस समय भी ब्रजवासी देखे थे लेकिन यही माने कि देवता लोग रक्षा करती है आप घटना जानते हैं भगवान का उम्र एक साल का था और माँ जशोदा अपने गोद में ले करके के लालन कर रही थी सहला रही थी कोई माँ है बच्चे को सहलाती है तो बच्चे को भी आनंद है और माँ को भी आनंद प्राप्त होता है बच्चे को चुंबने में छाती से लगाने में माँ भी आनंद अनुभव करती है और माँ जसौदा भी आनंद अनुभव कर रही थी और कभी कभी कृष्ण को ऊपर फेंक देती थी और रोक लेती थी बहुत खुश होते थे और तब तक कृष्ण का भार बढ़ने लगा अब माँ को तो चिंता हुई कि ये क्या हो गया अभी कुछ क्षण पहले ऐसे बच्चे को उठा रही है फेंक रही है रोक रही है और तब तक सहसा भार बढ़ने लगा उसको चिंता हुई और तब तक कुछ मिनट में अब इतना भार बढ़ गया कि अब वो गोद में रख ही नहीं सकती थी और बहुत भारी चिंता में पड़ी लेकिन अब तो गोद में रख ही नहीं सकती थी और माँ के मन में विचार आया कि हे माँ पृथ्वी तुम सबकी माँ हो और सबकी माँ हो तो कृष्ण की भी तुम माँ हो हम तो इसको जन्म दे लेकिन इसको तो गोद में ही धारण नहीं कर सकती हमारी क्षमता सीमित है लेकिन तुम सबको धारण करती हो तो इस बच्चे को भी तुम रखो अपने गोद में रखो वो ऐसे कृष्ण को वे रखी भूमि पर रखी और जगता मासु कर्म सु भूमव निधाय भूमि पर रह करके और सोचे कि जो आवश्यक कार्य है उसको निपटा करके इसको किसी वैद्य के पास ले जाएंगे या किसी गुनी को बुलाएंगे या ब्राह्मणों को बुला करके कुछ स्वस्ति वाचन किया जाएगा आशीर्वाद लिया जाएगा तो ऐसे वो विचार कर रहे थे और तब तक तृणावर्त आया बवंडर आया और उठा करके आकाश में ले गया बवंडर आंधी से भिन्न होता है क्या भिन्नता है आंधी में तो एक दिशा में हवा बहती है ना, लेकिन बवंडर में घूम घूम करके और इसकी प्रवृत्ति है कि जो चीज़ पड़ता है उसको ऊपर ले जाता है जो कल हम लोग जल की बात कर रहे थे तो बवंडर का ही रूप है तो जैसे घास को उड़ा देता है तो वैसे जल को भी उड़ा करके आकाश में ले जाता है या जो दैत्य था वह बवंडर का रूप लेकर के आया था और इसका नाम था त्रीण और आवर्त बवंडर के रूप में था इसलिए पूरा नाम इसका त्रीणावर्त त्रीणावर्त का अर्थ है कि जो पूरे संसार को तिनका के समान सूखे घास के समान अवर्तित कर दे नचा दे घुमा दे उसको कहा जाएगा त्रीणावर्त त्रीण के समान सारे ब्रह्मांड को उड़ा दे नचा दे आवर्तित कर दे वह हुआ त्रीणावर्त और वह आया और कृष्ण को उड़ा ले गया अब कृष्ण जब आकाश में गए तो भय अनुभव करने लगे बियत विपदम वे आकाश तो पक्षी का स्थान है ना बी पदम बी मतलब पक्षी यह आकाश अपने आप हाँ में विपद है कोई रहने का टिकने का आधार ही नहीं है और तो भगवान तो भय के मारे उसके गले को पकड़े और ज्यों ही वह अपना स्पीड बढ़ाया जब आकाश में ले गया तो उसके मन में था कि यहाँ नहीं इसको मारूंगा सीधे मथुरा में ले जाकर के मारूं कि एकदम कन से आई विटनेस करे कि कृष्ण मर गया शत्रु मर गया वो पहले जब तक आकाश में ले जा रहा था तो भगवान भी कुछ परिवर्तन नहीं किया लेकिन जै ही मथुरा के साइड में वो हैंडल मोरा उधर जाने का तो भगवान अपना वजन बढ़ाने लगे भगवान वजन बढ़ाए तब उसको आश्चर्य होने लगा कि ये क्या हो गया ये वजन कैसे इतना बढ़ गया भारी कैसे लग रहा है तो वो विचार करने लगा कि हमसे कोई भूल तो नहीं हो गई ये बालक है कि पत्थर है कोई लड़का तो इतना भारी नहीं होगा तो छू करके देखने लगा और छू करके देख रहा है तो एकदम लड़का ही दिख रहा है फिर भी वजन इतना अधिक फिर उसको विश्वास नहीं हुआ फिर हाथ पैर देखा तो एकदम अंगुली है ये तलवा है लेकिन भार पर विचार कर रहा है कि ना हमसे भूल हो गई लड़का इतना भारी नहीं हो सकता ये पत्थर ही है पत्थर में आकृति हाथ पैर का है कभी कभी देखते हैं ना पत्थर में कई एक चीज़ की आकृति रहती है तो वास्तव में लड़का नहीं है ये तो हाय पत्थर का ढोका लड़के जैसा है और हम पत्थर ले जा कर के क्या करेंगे वो पत्थर मथुरा में ले जा कर के प्रस्तुत करें तो कोई इनाम तो मिलेगा ही नहीं बोल के दंड भी मिल सकता है कि चीटिंग करना चाह रहे हो आगे तो फालतू कार्य इसको यहीं गिरा देना चाहिए वो आकाश से वो गिराना चाह तो भगवान तो बच्चे हैं और बच्चे को कहीं से गिराइए तो और भयभीत होकर के जो चीज़ मिलता है पकड़ते हैं वो तो और कचक करके गर्दन पकड़े अब उसको कष्ट होने लगा तो फिर जाके इसको यहीं गिरावे यहीं गिरावे तो भगवान और जोर से उसका गर्दन पकड़े और गर्दन पकड़े से उसको विकलता होने लगे अब तो भगवान देखे कि अब तो यहीं से गिरा देगा या यह गिरेगा इतना कातुर हो रहा है मरने जैसा तो फिर पुतना जैसा कुछ एक्सीडेंट हो सकता है कहीं गांव में गिर जाए तो गांव चकना चूर हो जाएगा तो अब अब भगवान स्टेरिंग पकड़ लिए <laughs> और ऐसे स्थान पर गिराए कि तुरंत ब्रजवासियों को पता चल जाए क्योंकि कारण यह था कि ब्रजवासी बहुत दुखी थे अभी तो माँ जसोदा रह करके ही गई थी और आंधी आ गया तो सबसे पहले चिंता के कृष्ण को रखिए वहाँ चली वहाँ गई तो अब कृष्ण है नहीं तो वो तो वैसे इधर उधर भागने लगी रोने लगी जैसे किसी गाय का बछड़ा मर गया अब उनकी रोदन की आवाज सुन करके सब गोपियां आई पहले तो कुछ पता ही नहीं ये इतना हवा चल हवा बवंडर का ही आवाज था कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा था अब गोपियाँ आई तो माँ जसोदा को समझाने लगे कि सखी धैर्य रखो कृष्ण अनेक विपत्ति से बचा है तो इस बार भी बच जाएगा लेकिन माँ जसोदा को तो कहाँ स्थिरता थी वो भगवान जानते थे कि सब ब्रजवासी दुखी हैं माँ बहुत दुखी है तो ऐसे स्थान पर इसको गिराना चाहिए कि तुरंत लोग नोटिस कर सके तुरंत ध्यान चला जाए तो भाई गांव में गिराने पर ध्यान जाएगा लेकिन गांव में इसको गिराया जाए तो कहीं पुतना जैसा फिर ये कुछ ध्वस्त न कर दे तो भगवान विचार किए कि ज गांव में गोदोहन का स्थान है जहाँ बरसात में भी गायों को खड़ा करके दु, दुहा जाते उसी पत्थर पर गिराएंगे भगवान वहीं गिराए अब वहाँ गिराए तो उसका शरीर चूर्ण चूर्ण हो गया और भगवान उसी के शरीर पर खेल रहे थे अब तो बवंडर खत्म हो गया अब कृष्ण को देह करके तुरंत गोपियाँ कृष्ण को माँ जसोदा के गोद में देती और तुरंत अपना कमेंट प्रस्तुत की कि इतना भारी अंतर इसका शरीर चूर्ण चूर्ण हो गया और बच्चे को कुछ खरोच भी नहीं आया इसके पीछे कारण क्या है गोपियों की टिप्पणी है इस घटना पर कि हृंसह स्व पापे न खलह भी नष्ट यह पापी मासूम बच्चे को मारना चाहता था वो इसी पाप से नष्ट हो गया और साधु भयाद भयामु और सिद्धांत दे रहे हैं कि जो साधु स्वभाव के हैं जो शत्रु मित्र का भाव नहीं रखते हैं तो इसी के पुण्य से वे बड़े बड़े विपत्ति से बच जाते हैं और कृष्ण तो बच्चा है उसमें तो शत्रु मित्र का बुद्धि है नहीं तो इस पुण्य से बच गया और तो ब्रजवासी इस घटना का स्मरण कर रहे हैं गोप लोग स्मरण कर रहे हैं कि वो त्रीणावर्त को मार दिया गला पकड़ करके यह भगवान की विचित्र लीला है भाई एक प्रश्न होगा कि त्रीणा क्यों गांव में आया क्यों कृष्ण को मारना चाहता था और एक तो सीधा सा उत्तर है कि कौन से भेजा था लेकिन अब काव्य के दृष्टि से भी इसका उत्तर खोजा गया है ये दो शब्द पर आप विचार कीजिए एक शब्द तीर्ण तृण मतलब क्या होता है घास गांव से खास करके जिनको ब्रज के गांवों का अनुभव होगा तो तीर्ण तो खेत में रहता है स्त्रियाँ जाती हैं घास काटती हैं और संध्या को लाना होता है मान लीजिए कि तीन बोझा चार बोझा पांच बोझा घास इकट्ठा की तो आता कैसे है घास बैलगाड़ी से गाड़ी से इस समय तो भैंसा गाड़ी से आता है तो गाड़ी से ओ, जो घास है उसको तीर्ण कहते हैं तो त्रीण सोच रहा है कि वन्योप्यम यद यद अधहणत तो भजामी ग्रामस्थिति में सकल गोकुल तृप्ति हेतु यह त्रीण या तृणावर्त ये विचार कर रहा है कि त्रीण तो जंगल में होता है रोड पर तो घास नहीं मिलेगा ना। तो कह रहा है कि वन्योप्यहम हम तो वन के हैं और यद्य रोहणत ग्राम्य भजामी ग्राम्य स्थिति जिसके पीठ पर चढ़ करके और मैं गांव में आता भाई गांव में आते हैं तो कुछ फायदा होता है कह रहे हैं सकल गोकुल तृप्ति हेतु अरे हम गांव में आ जाते हैं तो पूरा गायों का समुदाय ही तृप्त हो जाता है घास खा करके तो गाय तृप्त होगी ना और तस्या न सोह कृतार कृतार्भकीण जिसके पीठ पर चढ़ करके जिस पर चढ़ करके मैं गांव में जाता हूँ और सब गोकुल तृप्त होता है उसी को इस लड़का ने मार दिया ये तो हमारे साधन को ही मार दिया ओ इसी से वह आ गया तृण नाम उसका भी नाम तृण ही है ना? <laughs> ओ ये कह रहे हैं ये हमारा नाम तृण है तो मन नामना यद हो तृणे न निखिलम संतोषित गोकुलर्पण देहास्यर्पण तो भी तत्प्रतिदिनम मद सेवते अब एक विचार कर रहा है कि हमारा ही नाम जो व्यक्ति धारण करता है तो वह सारे गोकुल को संतुष्ट करता है सारे गायों को संतुष्ट करता है कैसे संतुष्ट करता है अपना देह अर्पण करके समझ रहे हैं त्रीण तो अपना देह अर्पित करता है और वह गायों को संतुष्ट करता है और गायों को क्या स्थिति है कि मद वैरिणम सेवते ये हमारे शत्रु का सेवन करती है गाय तो कृष्ण का सेवन करती है ना और गायों की तृप्ति कैसे होती है तृण कह रहा है कि हमारा नाम वाला ही व्यक्ति अपना देह अर्पित करके उनको संतुष्ट करता है और वे हमारे बैरी का चिंता कर आ, सेवन करती है का चिंता तिहाय धुना विधनों में इत्याप्त तृण ऐ लेकिन चिंता की बात नहीं है बैरी का सेवन कर रहे हैं उसको बड़ा क्रोध आया कि सबको हम अभी ठीक कर देंगे सबको नष्ट कर देंगे या जिसका सेवन करते हैं उसी को नष्ट कर देंगे बैरी का बल बढ़ा रही है तो इससे क्या होगा हम मार देंगे तो मानो इसी क्रोध से गांव में आ गया अच्छा अब देखिए भगवान तो माँ जसोदा के गोद में थे त्रिणा वर्त आया तो अपना वजन भारी क्यों कर दिया अपना भार क्यों बढ़ा दिए के तत्व दृष्टि यह है कि भगवान विचार करने लगे कि यदि माँ के गोद में रहूंगा तो हमको तो आकाश में ले जाएगा हमारी माँ को भी उड़ा ले जाएगा हमारे द्वेष से हमको उड़ाने के लिए तो माँ को भी उड़ा करके ले जाएगा तो अपने माँ की रक्षा के लिए कि उसको कोई क्षति ना हो तो भगवान सोचे कि माँ को अलग कर देना चाहे इसलिए अपना भार बढ़ा दिए समझ रहे हैं ये तत्व दृष्टि है लेकिन अब साहित्य के दृष्टि से देखें तो भगवान तो यह अनुमान कर लिए के त्रिणावर्त आ रहा है तृणावर्त मतलब वायु भगवान कह रहे हैं कि राजा लोग तो यही सिद्धांत दिए हैं कि वायुअस्त्र का प्रतिकार अचलास्त्र से करना चाहिए बहुत बहुत अस्त्र लोग बना रहे हैं ना वायरस विपिन तक बना रहे हैं <laughs> तो पहले के लोग भी वायु अस्त्र का प्रयोग करते थे तो वायु अस्त्र के प्रतिकार का तो एक ही उपाय है कि अचलास्त्र अस्त्र वायु में बहुत शक्ति है सबको उड़ा देता है ना बड़े बड़े बिल्डिंग हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं जब तूफान आता है तो न्यूज में कि ये सरकारी बिल्डिंग ध्वस्त हो गया कोई कहीं छत उड़ जाता है लेकिन कभी न्यूज नहीं पढ़े होंगे कि आंधी आया तो पहाड़ को उड़ा कर ले गया ऐसा न्यूज नहीं सुने हैं ना तो भगवान विचार करने लगे कि ये वायुअस्त्र आ रहा है तो हमको भी अचलास्त्र का प्रयोग करना चाहिए तो वायु के रूप में आ रहा था तो अचल के रूप में हो गए पर्वत के रूप में भार बढ़ा लिए अच्छा भार बढ़ा लिए नीचे आ गए लेकिन फिर अब उसके साथ उड़ करके क्यों गए और भगवान मानो शिक्षा देना चाहते हैं कि आया तो यदि दुर्जनोपि सहसा स्वीयालये साधुना प्राक प्रत्युदगमन सत्कृति पदम नेयस्तस्ते नत दुष्ट व्यक्ति भी किसी के घर आ गया और एक बार उसको खड़ा होकर के सत्कार करना चाहिए अपने घर पर आ गया तो यही सदाचार है कि उठ करके उसका सत्कार करना चाहिए लेकिन अब उसके बावजूद भी वो अपने दुष्टता का त्याग नहीं करता है तो उसका बौद्ध कर देने पर भी कोई दोष नहीं है मानो भगवान इसी सदाचार का अनुपालन कर रहे हैं शिक्षा दे रहे हैं अब घर पर आ गया गोकुल में आ गया तो खड़ा हो गए लेकिन वो मारना ही चाहता था तो उसी को मार दिया जो हो ये ब्रजवासी लोग विचार कर रहे हैं कि आकाश में गया उड़ा करके ले गया लेकिन उसका गला पकड़ करके ही मार दिया और, और भी सोच रहे हैं कि ये बकासुर का वध किया एकदम सीधे फाड़ दिया बदसासुर का वध किया और ये जो गधा के रूप में दैत्य है रासव दैत्येयम तद बंधुश्च बलान्वित तो, क्या नाम है उसका धेनुकासुर का वध किया यद्यपि धेनुकासुर का वध बलराम जी किए थे लेकिन बलराम जी भी कृष्ण के ही सानिध्य के बल से वध किए थे कृष्ण साथ में थे तभी उनको बल आ रहा था या बौद्ध तो धैनुकासुर का बलराम जी किए लेकिन उसके समान ही जो उसके परिवार वाले थे तो उनका बौद्ध तो दोनों भाई मिल कर के किए इसलिए गोप लोग इस लीला को भी धैनुकासुर के बौद्ध को भी कृष्ण के ही अकाउंट में डाल रहे कह रहे हैं कि हत्वा राशव दैत्यम तद बंधुश्च बलान्वित चक्रे ताल बनम क्षेमम परिपक्व फलान्वितम फल पका हुआ था लेकिन कोई उसमें घुस नहीं रहा था एक फल भी कोई खाया नहीं था अरे फल खाने की बात तो दूर है कोई पशु घास चरने के लिए नहीं जाते थे और घास चरने के बाद तो दूर है कोई पक्षी पेड़ पर भी नहीं बैठते थे इतना उसका दहशत था लेकिन कृष्ण बलराम उसका वध करके और उसको खोल दिए कोई भी फल खा सकता है कोई भी पशु घास चर सकते वो ऐसे अनेक अनेक लीला किए सब का भी स्मरण कर रहे हैं लेकिन अंततः उनके मन पर छाया हुआ है कि ये बच्चा पर्वत को उठाया घटना देखने से तो लग रहा है कि भगवान ही कर सकते लेकिन स्नेह को देह करके उनके मन में आ रहा है कि ना ये भगवान कैसे हो सकते इतना प्रेम करता है प्रेम चाहता है अरे ईश्वर तो निरपेक्ष होता है और तो ईश्वर तो ये नहीं है भगवान तो नहीं है वे नंद बाबा से कह रहे हैं कि क सप्तहायनो बाल क्व महाद्री विधारणम नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्म जे हे नंद महाराज आपके बच्चे के विषय में हम लोगों के मन में शंका है वे क्या शंका है किस आधार पर शंका कर रहे हैं तो सब बात बतलाए खास करके कह रहे हैं कि थोड़ा विचार कीजिए कि सप्तहाय न बाल अभी तो सात साल का है बहुत शक्ति भी नहीं है और क महाद्री विधारणम और कहाँ इस विशाल पर्वत को एक हाथ से एक अंगुली पर धारण किया सात दिन तो हम लोगों के मन में शंका है ये तुम्हारा लड़का भगवान है नंद बाबा कहते हैं देखिए ये शंका एकदम निराधार है हम आप लोगों से नहीं बतलाए हैं लेकिन गर्गाचार्य इस लड़के के विषय में भविष्यवाणी किए इसका बहुत जन्म हुआ है बहुत रंग है और ये पहले वसुदेव जी का भी पुत्र कभी रहा है ये जन्म ग्रहण करता रहता है और इसके कुछ गुण हैं गुण है। दृष्टि से ये नारायण सम ये अपने गुण से भगवान जैसा है भगवान नहीं है यह विचार एकदम त्याग दीजिए नंद बाबा को भय था कि कहीं इसको भगवान मानेंगे तो आशीर्वाद नहीं देंगे अरे लड़का तो फल फूल रहा है वृद्धि प्राप्त कर रहा है आशीर्वाद से न <coughs> 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 आप लोगों के मन में एकदम शंका नहीं होनी चाहिए ओहू बहु गर्गाचार्य के वाक्य को सुना दिए आप लोग प्रेम मत छोड़िए प्रेम करने से बहुत भारी लाभ है गर्गाचार्य कहे हैं कि ए तस्मिन महाभाग प्रीतिम कुरंती मानवा जो भाग्यशाली व्यक्ति हैं और उनको अवसर आता है इससे प्रेम करने का और जो व्यक्ति इस बच्चे से प्रेम करेगा तो नारय भी भवनतेतन विष्णु पक्षा निवासुरा कि तो उस व्यक्ति को शत्रु पराभूत नहीं कर सकते उदाहरण दे रहे हैं कि जिस पक्ष में भगवान विष्णु हैं और जैसे उसको असुर लोग पराजित नहीं कर सकते और उसी तरह जो व्यक्ति इस लड़के से प्रेम करेगा तो उसको शत्रु पराजित नहीं कर सकते तो हम लोगों की जो भी सफलता प्राप्त हुई है इस लड़के से प्रेम करने से और इसका त्याग आप लोग मत कीजिए शंका में मत रहिए या तो गुण के चलते नारायण के समान है और गर्गाचार्य स्पष्ट रूप से कहे हैं कि गोपायस्व इसकी रक्षा करो ये बड़ा होनहार लड़का है तो जब ऐसे गर्गाचार्य की बात को नंद बाबा समझाए तो ब्रजवासियों की शंका समाप्त हो गई वो कहे कि यह गुण से इतना महान हो गया ये नारायण का नारायण नहीं है नारायण का अंश है लेकिन गुण इतना अधिक है भगवान अपना शक्ति इसमें संचारित कर दिया तो अब ये प्रसन्न हुए कि ये तो हमारा बहुत भारी सौभाग्य है कि इतना गुणवान लड़का हमारे कुल में जन्म लिया हम लोगों के बीच जन्म लिया तब उनका प्रेम और बढ़ गया और उनका प्रेम कम नहीं हुआ प्रेम और बढ़ गया प्रेम करने लगे कि साधारण लड़का ये गुणवान लड़का और ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे परिवार में हमारे जाति में जन्म लिया तो आत्मीयता और बढ़ गई और इस प्रकार ये ब्रजवासियों की बात को कह करके सुखदेव गोस्वामी प्रार्थना करते हैं सबके लिए जो भगवान पर्वत धारण करके पर्वत को उठा करके और ब्रजवासियों की रक्षा किए गायों की रक्षा किए वही भगवान हमारी भी रक्षा करें एक तरह से उनका आशय है परीक्षित महाराज को सांत्वना दे रहे हैं कि जैसे इंद्र के वर्षा से वज्रपात से रक्षा किए वैसे ही भगवान साप से भी रक्षा करेंगे ब्राह्मण के साप से रक्षा करेंगे जैसे पर्वत को उठा करके रक्षा किए और वैसे ही ये वेद रूप समुद्र से भागवतम रूप वृक्ष को उठा करके पर्वत को उठा करके के ये ब्राह्मण के साप से रक्षा करेंगे तो प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें हम सबकी रक्षा भगवान करें और इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी के मन में भी यह लीला छाई हुई है ब्रजवासियों की कैसी रक्षा किए भगवान तो ब्रजवासियों की बात तो हो गई लेकिन अब इंद्र के विषय में कह रहे हैं कि जब इंद्र अब इस घटना को देखे अपनी दुर्दशा को देखे तो वे तो बहुत हतोत्साहित हो गए उस स्वर्ग में गए तो कोई उत्साह नहीं यहाँ तक इतना निराश हो गए थे कि अपने पत्नी से बात नहीं कर रहे थे कोई सभा नहीं कर रहे थे किसी देवता से बात नहीं कर रहे थे चुपचाप मन मार करके पड़े हुए थे अब इनकी दुर्दशा देखे इनके गुरुजी बृहस्पति जी वो कहे कि बहुत भारी गलती किए तुमको तो कुछ उपाय करना चाहिए वो तो इंद्र कहे कि क्या उपाय करें आप गुरु हैं आप बतलाइए कि ना हमको कुछ पता नहीं चल रहा है अब उपाय तो केवल ब्रह्मा जी ही बतला सकते हैं और ब्रह्मा जी के पास जाना होगा अब इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए वो ब्रह्मा जी को सब चीज बतलाए ब्रह्मा जी बड़ा क्षोभ प्रकट किए तो बहुत भारी अनर्थ हुआ और उनको अनुभव हो गया था <laughs> ये तो बहुत भारी अनर्थ है एक अब तो जो हो उपाय तो आप ही बतलाएंगे सबसे श्रेष्ठ तो आप ही हैं ये कुछ समझ में नहीं आ रहा इतना भारी गलती किए हो कि क्या उपाय बतलाया जाए कैसे क्षमा मांगा जाए कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाए हमको कुछ उपाय नहीं समझ में आ रहा है लेकिन फिर भी एक बात हमारे मन में आ रही है कि जो गौतम इत्यादि ऋषि हैं तो वे ऐसा विधान दिए हैं कि गायों की प्रसन्नता से भगवान भी प्रसन्न हो जाते एक श्लोक है गवाम कंडूयनम कुयात गो ग्रो गो नित्यास गोसु प्रसन्नेशु गोपालोभि भी प्रसिद्धति भक्ति रसामृत सिंधु में भी उद्धृत किया गया ठीक से हमको श्लोक नहीं याद है लेकिन इसमें विधान दे रहे हैं गौतम ऋषि कि गवाम कंडूयनम कुरियात गाय को सहलाना चाहिए खुजलाना चाहिए उससे वे प्रसन्नता अनुभव करती आप देखेंगे गाय का कुछ हिस्सा है खास करके कर उसके सिंह के बीच में उसको खजलाइए तो बहुत सुख अनुभव करती तो यह एक गाय के पूजा ही है सम्मान ही है गवाम कंडुयनम कुयात और गो ग्रासम उनको भोजन देना है चाहिए गो प्रदक्षिणम गाय के प्रदक्षिणा करनी परिक्रमा करनी चाहिए भगवान भी ये विधान दिए और आगे कह रहे हैं कि नित्यासु गोसु प्रसन्ने अब जिस व्यक्ति से गाय नित्य प्रसन्न है गोपालों भी प्रसिद्ध थी वो तो गाय की प्रसन्नता से कृष्ण भी प्रसन्न हो जाते हैं तो यह तो एक क्लो मिल रहा है गायों का आश्रय लेने से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। जब यह क्लो दिए ब्रह्मा जी तब तो इंद्र विचार करने लगे कि पहले गाय का फेवर लेना चाहिए तो गए गोलोक में गोलोक से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए वो तो भगवान का धाम है गोलोक लेकिन इस ब्रह्मांड में भी एक गाय का लोक है जैसे सिद्धों का लोक है और, और लोक है तो एक गाय का भी लोक है तो जो भी गो जाति कि माँ है जो मूल माँ है उसी लोक में रहती है सुर भी तो ब्रह्मा जी क्लू दिए और तो इंद्र गए उससे अपनी स्थिति बतलाए कहे कि हमारी सहायता कीजिए तो गोलोक से सुर गाय को लेकर के आए अपने साथ बहुत लज्जा महसूस कर रहे थे इन कृष्ण को देखे कि, कि किसी पर्वत पर अकेले बैठे हैं और प्रसन्न मुद्रा में हैं तो गाय को आगे करके और कृष्ण के पास गए उनसे क्षमा मांगे स्तुति किए और गाय भी प्रार्थना की और इसके बाद उसी सुरभि गाय के दूध से अभिषेक किया गया और अपने हाथ ही ऐरावत के सुण से आकाश गंगा से जल लाए और यहीं बगल में गोविंद कुंड में भगवान का अभिषेक किया गया और भगवान भी इंद्र को क्षमा कर दिया इंद्र पर बहुत कोपित नहीं हुए क्योंकि योजना के अनुसार सब किए थे इंद्र का केवल मान भंग करना था उनका अभिमान दूर करना था बहुत वो क्षमा याचना किए और भगवान भी कहे कि अपने अधिकार में रहो मद में मत बहो घमंड मत करो और ऐसे अभिषेक किए इंद्र और यहीं उनका नाम गोविंद दिए एक नाम भी दिए तो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है ब्रज में तो एक एक कण पवित्र है लेकिन फिर भी कोई कोई स्थान है जिसको महातीर्थ कहा जाता है वहाँ कुछ धार्मिक कृत्य करने से आध्यात्मिक कृत्य करने से उसका फल अधिक होता है दान पुण्य करने से अधिक फल होता है तो और उसमें एक गोविंद कुंड भी स्थान है और तो इस प्रकार ये जो गोवर्धन धारण की लीला है और तो इसमें भगवान इंद्र का मान भंग किए ब्रजवासियों को सुखी किए और गिरिराज जी की पूजा के स्थापना की वास्तव में गिरिराज जी भगवान को बहुत प्रिय हैं और सबसे बड़ा देवता है। जो लोग ब्रज में रह रहे हैं और उनके लिए सबसे बड़ा देवता गिरिराज जी गिरिराज जी के आश्रय रखने से सब कुछ ठीक रहता है आज भी देखा जाता है कि किसी के मन में कोई भी कामना है चाहे लौकिक कामना है या परमार्थिक कामना है गिरिराज उसको पूर्ण कर देते हैं और भगवान हम लोगों पर कृपा किए हैं एक बहुत ही तेजस्वी बहुत ही अनुग्रही देवता से संपर्क कराया और इसका लाभ लेना चाहिए गिरिराज जी भगवान को बहुत प्रिय बहुत बहुत लीलाएं भगवान गिरिराज जी के तलहटी में किया और गिरिराज की महिमा केवल एक बात से समझ सकते हैं इस संसार में बहुत सारे भक्त हैं लेकिन उनका अवस्तर आप निर्धारित कीजिए तो निर्विवाद रूप से गोपियाँ सबसे श्रेष्ठ है इसमें कोई विवाद नहीं है लेकिन वे गोपियाँ जब निराश होती हैं उनको ऐसा लगता है कि अब तो कृष्ण को प्राप्त करना कठिन है और कृष्ण की प्राप्ति के लिए गिरिराज जी से प्रार्थना करती है भागवतम में जो प्रसिद्ध श्लोक है गोपियाँ देख रही हैं कि हम लोगों को कृष्ण का तो सानिध्य नहीं मिल रहा वे कृष्ण प्राप्ति के लिए गिरिराज जी का शरण ले रही उनके महिमा का गान कर रही आपको भगवान के सान्निध्य मिलता है आपको सान्निध्य सुलभ है और हरिदास वर्य आप भगवान के सेवकों में श्रेष्ठ हैं उनकी सब तरह से सेवा करते हैं और केवल भगवान की सेवा नहीं करते हैं उनके परिकरों की भी सेवा करते हैं तो हम पर भी कृपा कीजिए कि हमको भी भगवान का कृष्ण का संयोग मिल सके तो यहाँ तक कि ब्रज की गोपियाँ भी कृष्ण के प्राप्ति के लिए गिरिराज जी का आश्रय लेती और इस तथ्य से आप गिरिराज जी की महिमा को समझ सकते हैं हमारे जो भी आचार्य हैं गिरिराज जी में वास की प्रार्थना किए की दे वासम गोवर्धन तम हे गोवर्धन हमको वास दीजिए और प्रार्थना शष से अर्थ करें दे वासम हमको वास भी दीजिए और क्या गोवर्धनत्वम एक अर्थ अलग करेंगे गोवर्धन गोवर्धन संबोधन हो जाएगा लेकिन दोनों को एक साथ मिला देंगे तब गोवर्धनत्वम मतलब जो गोवर्धन का भाव है जो गोवर्धन की स्थिति है तो वह अभी प्रदान कीजिए केवल वास भी बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि दे वासम गोवर्धनत्वम वास भी दीजिए और अपना भाव भी दीजिए कृष्ण को संतुष्ट करने का भाव भी प्रदान कीजिए और तो वैष्णव लोग दोनों की आकांक्षा करते हैं